ऑलराइट गाइस, दिस इज सीकिंग एंड आज की वीडियो में मैं आपको 0.50 जीएस के बारे में बताने वाला हूँ, अकीमबो के बारे में भी बताने वाला हूँ एंड द सिंगल 0.50 जीएस के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना एंड सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको अनलॉक कैसे करना है। तो अनलॉक करने के लिए आपको जाना है अपने इवेंट सेक्शन में। इवेंट सेक्शन में जाके आपको जाना है सीजनल सेक्शन में। वहाँ पर आपको एक इवेंट मिलेगा नोन एज द स्मॉल आर्म्स। सो यहाँ पे एक मिशन है जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, दैट इज़ अर्न बैक स्टैबर मेडल 3 times। बैक स्टैबर मेडल लेते कैसे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक नाइफ या फिर एक्स या फिर बैट, आपके पास जो भी है, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो वो ले लेना है एंड आपको किसी भी एनिमी के पीछे जाके उसको किल करना है एंड दैट्स इट। आपका जो बैक स्टैबर मेडल है वो आपको मिल जाएगा। ये मिशन आपको करना है 3 times एंड इसके बाद जाके जो लास्ट मिशन है दैट इज़ किल 20 एनिमी विथ हेडशॉट यूजिंग एनी पिस्टल, जो कि थोड़ा सा हार्ड है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक रेड डॉट ले लें अपनी जो पिस्टल है उस पर एंड यू विल बी गुड टू गो। 2 matches, हार्डली 2 या 3 matches होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जस्ट प्ले द 10v10 जो हमारा जो मोड चल रहा है अभी, वो जाके खेलो, बहुत ही आराम से हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 0.50 GS की, मेरे व्यूज़ क्या है एंड ऑल ओवर गन कैसी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल 0.50 GS है। अकीमबो की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल जो 0.50 GS है उसकी बात कर रहा हूँ। सो इसका डैमेज बहुत ही अच्छा है, कंट्रोल ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा किकबैक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मोबिलिटी ठीक ठाक है, फायर रेट के लिए आपको कुछ अटैचमेंट्स मिल जाते हैं लाइक लाइट ट्रिगर्स एंड ऑल, रेंज ठीक ठाक है एंड एक्यूरेसी यहाँ पे दिखाई गई है अच्छी, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी अच्छी है। सो पर्सनली मुझे ये गन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं 0.50 GS के अकीमबो पर्क के बारे में। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको एक मिशन करना पड़ेगा। तो मिशन कुछ ऐसा है, आपको 3 consecutive kills करने हैं फॉर 20 times, यानी कि 3 kills करने हैं बिना मरे फॉर 20 times। आप लोग ये सोच रहे हो कि कितने मिशन करें, गन को अनलॉक करने के लिए मिशन, गन के अटैचमेंट को अनलॉक करने के लिए मिशन, या बट दैट्स ट्रू। अभी जो मेरे व्यूज़ है फॉर दी अकीमबो अटैचमेंट वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस गन का हिप फायर बहुत ही घटिया है, सेकेंडली इस गन की रेंज बहुत ही घटिया है। सो अगर आप एक स्नाइपर हो एंड सोच रहे हो अकीमबो को एज अ सेकेंडरी यूज़ करने का, देन यू कैन यूज़ इट, बट एज अ प्राइमरी आप इस पर अकीमबो यूज़ नहीं कर सकते। प्राइमरी वेपन में आप ये गन को ना चलाए तो ही बेहतर रहेगा, ये मेरे व्यूज़ है। एंड अगर हम अटैचमेंट की बात करें फॉर द सिंगल 0.50 GS के बारे में, तो यहाँ पे ये रहे मेरे अटैचमेंट। बैरल में मैं यूज़ कर रहा हूँ MIP एक्सटेंडेड लाइट बैरल। लेज़र में मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑब्वियसली द बेस्ट OWC लेज़र टैक्टिकल। ट्रिगर एक्शन में मैं यूज़ कर रहा हूँ मैच ग्रेड ट्रिगर। एम्यूनेशन में ऑब्वियसली एन एक्सटेंडेड मैग ए यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरी ADS स्पीड मेंटेन ही रहेगी, घटेगी नहीं। एंड यहाँ पे जो रियर ग्रिप है मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ग्रेनुलेटेड ग्रिप टेप। सो एंड में मैं इतना ही कंक्लूड करूँगा कि ये जो गन है वो हमारा कॉम्बिनेशन है या फिर एक हाइब्रिड है हमारी J358 दैट इज़ द कट्टा एंड द MW11। एंड और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसका जो 1-tap हेडशॉट है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। तो सीरियसली ज़रूर से इस गन को जल्दी से अनलॉक कर लेना एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड लाइक ज़रूर कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद गाइस।